દાદરાનગર હવેલી પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સેલવાસમાં આવેલ ટ્રેડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનના ગોડાઉનમાં છાપો મારી પ્લાસ્ટિકના ડ્રમ અને કાર્ટુનમાં ઇંગ્લિશ દારૂની બોટલ પેક કરી અન્ય રાજ્યોમાં હેરાફેરી કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. સેલવાસ પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ટ્રેડ ટ્રાન્સપોર્ટ કંપનીમાંથી પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનર અને પાર્સલોમાં ઇંગ્લિશ દારૂની બોટલો પેક કરી માલ સામાન હોવાની આડમાં ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં મોકલાતો હોવાની બાતમી મળી હતી. જે બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીએસઆઈ હરીશ રાઠોડ સહિતની ટીમે ટ્રેડ ટ્રાન્સપોર્ટના ગોડાઉનમાં છાપો મારી એક કન્સાઇનમેન્ટમાંથી 12 પેટી ઇંગ્લિશ દારૂને કબજે કરી આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. कल एक खुफिया जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ऑफिस जो आमली में है वहाँ पर रेड की थी, तो पुलिस को कुल 1 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब मिली है, 8 PM वगैरह अन्य ब्रांड की, जिसकी कॉन्स्पिक्यूस बात यह है कि ये जो सारे शराब पैक की गई थी वो एक टेट्रा पैक में पैक की गई हुई शराब थी. हालांकि हमने ये पता किया कि वैसी पैकिंग तो लीगल है, लेकिन यहाँ पे जो माल वो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो इलीगल है, बिना परमिशन के कर रहे थे. तो इस मामले में पुलिस ने उस कॉरपोरेशन के ऑफिस से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, केस रजिस्टर किया है. उस शख्स की 4 दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिली है और आगे के जो भी तथ्य आएंगे वो हम आपके सामने रखेंगे. ये अभी फ़िलहाल पता नहीं है, एक ब्लू कलर के छोटा जो टेम्पो आता है उसमें ये लेके आए थे, ऐसा अब तक की CCTV देखने से पता चला है. आगे ये कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ से लेके आए थे, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा. अब इसकी जानकारी जो है हमें मेन जो इसमें अक्यूज्ड है उनके गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगी, लेकिन प्राइम ऑफ से हाँ ये लग सकता है कि जो एक फ्रूटी या अन्य जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसकी तरह दिखने वाले पैक में ये पैकिंग की गई थी, तो प्राइम ऑफ से हम इस बात को मान सकते हैं.